वेलकम बैक टू द वैरायटी स्टफ़। मेरा नाम है भूषण और आप बिल्कुल स्वागत है बहुत बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले एयरटेल के बारे में, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बोला था कि airteljiparis.com पे कोई एक अच्छा सा वीडियो बनाओ। तो airteljiparis.com पे आज हम लोग करने वाले हैं वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूँगा यार, प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर देना। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बहुत ही मज़ा आ रही है मुझे काम करने में। तो प्लीज़ आप ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए, ऐसा ही प्यार देते रहिए। और प्लीज़ यार शेयर कर दिया करिए, जो भी अगर आपको लगता है कि वर्क कर रहा है आपके लिए, है ना। आप आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं airteljiparis.com को ट्विक, जिसमें हम लोग बढ़ाने वाले स्पीड। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही airteljiparis.com को जैसे था फैक्ट्री रिसेट कर लिया है, डिफ़ॉल्ट रिसेट कर लिया है इसको। ठीक है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ की तरफ। सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है 64 का। ठीक है, एयरटेल का नेट कनेक्टिविटी यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी ठीक ही है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा speedtest.com पे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्पीड टेस्ट देख लेते हम लोग क्या आ रही है। तो गो पे क्लिक करेंगे, सर्वर यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। 47 का पिंग है, 12 का जिटर है। यहाँ पे हमारा जो एपिन जा रहा है, एपिन का पिंग जा रहा है और ये स्पीड जा रहा है, वो कुछ सही लग नहीं रहा है मुझे ओवरऑल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो आई है 8.5 का आया है। उसके बाद में हमें जो अपलोड स्पीड जा रहा है वो भी ऑलमोस्ट 8 के करीब करीब ही जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि airteljiparis.com कितना लुल काइंड ऑफ एक एपिन है, हमें उसे ट्विक करना है। ठीक है, तो ये तो है 7.8 का और लॉस जो है वो है 16.9 का। तो लॉस भी काफ़ी है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 25% तक का लॉस हम लोग बेयर कर सकते हैं, लेकिन 25% के ऊपर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हमें काम नहीं करना। ठीक है, वो बिल्कुल से बिल्कुल स्किप ही कर देना है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, अब मैं आपको सीधा लेके चलूँगा हमारे एपिन की तरफ। ठीक है, एपिन जो है क्विक करेंगे हम लोग और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्पीड वगैरह कितना मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधा सीधा हमारा सबसे पहले वीडियो टेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एपिन है ये क्या वीडियोस प्ले करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड का टाइम तो लगा ही है, HD वीडियो प्लेबैक चल रहा है। ये काफ़ी सही एप्लीकेशन है यार, अगर आपने यूज़ नहीं की तो प्लीज़ जाके इसको यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आपको हर बार एक ही टेस्ट करना है यहाँ पे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, उतना ही डेटा कंज्यूम होने वाला है। तो 1.1 सेकंड्स का यहाँ पे लगा है लोडिंग टाइम, 93.1% का प्लेबैक है, 16.3 का यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टेस्ट ड्यूरेशन है। तो आप यहाँ पे HD प्लस क्वालिटी यानी 1080 पिक्सल्स के ऊपर का यहाँ पे आराम से प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सीधा सीधा एपिन की तरफ। एपिन में आपको चेंज क्या क्या करना है मैं आपको ये दिखा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल एंड नेटवर्क्स, एयरटेल एडवांस, और एक बात, यहाँ पे LTE ज़रूर से ऑन करके रखना। मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ मेरा इंटरनेट गायब हो जाता है। तो मैंने उनको यही बोला कि LTE जो है वो कभी भी ऑन रखिए, आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत सही चीज़ है ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे ट्विक। नेम में आपको करना है एयरटेल इंटरनेट। ठीक है, airteljiparis.com यहाँ पे करना है। तो एयरटेल का ये ए जो है इसको आपको कर देना है कैपिटल। ठीक है, प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम यहाँ पे आपको डालना है speedbot v3। ठीक है, speedbot v3 का एस कैपिटल, बॉट का बी कैपिटल, v3 का जो वी है वो भी कैपिटल रहेगा। और एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये speedbot v3 का जो है ये बहुत लोगों ने चुरा लिया है, अभी तक कॉपी हो चुका है काफ़ी जगह से, तो ये एक चीज़ है। तो सॉरी, फ्लाइट जा रही थी ऊपर से यार, हमारे यहाँ पे बड़ा इशू है यार। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सीधा सब कुछ छोड़ देंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, सर्वर नहीं डालेंगे, MMS, CMMS, proxMS पोर्ट नहीं डालेंगे, MCC, MNC भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप आपको जो डालना है वो PAP, यहाँ पे आपको एपिन टाइप में डालना है डिफ़ॉल्ट .sig.pl.cbs, बाकी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप एपिन प्रोटोकॉल जो है आप IP version 4 रखिए, या फिर आपको IP version 4/6 रखना है तो वो भी रख सकते हो, कोई भी
दो राय नहीं है, ठीक है, कोई होने वाला नहीं है, वो एक की आईपी ओरिजिन फोर ही काउंट करने वाला है। तो यहाँ पे भी आप एपिन रोमिंग प्रोटोकॉल में सेम कर सकते हो। बेयरर में अनस्पेसिफाइड की जगह एलटी पे टिक कीजिए, अगर आपको और सब चाहिए तो आप जीपीआरएस तक पूरे के पूरे टिक कीजिए, बीच में कोई मत छोड़िएगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कर लेंगे हम ओके, इसको कर लेंगे हम लोग सेफ। नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क आ गया है, 4G वापस आ गया। मैं आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेन की तरफ लेके चलता हूँ। तो हमारी जो थी पहले वो थी 63, अब है 65, ठीक है। आप देख लीजिए, ये है मेरा आइडिया का और ये है एयरटेल का डिफरेंस, आप देखिए। नेट कनेक्टिविटी यहाँ पे देखी जाए तो काफ़ी फास्ट है, इक्वली काफ़ी फास्ट है। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा सीधा स्पीड टेस्ट की तरफ, क्योंकि स्पीड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट वाला था, ठीक है, 8.5 और 7.5 लॉस थे 16.9 का। लॉस हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे। पिंग मिली हमें 34 की और 8 का जिटर है, और ये है आपके सामने एयरटेल जीपीआरएस डॉट कॉम का ट्विक, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ये काफ़ी अच्छी है, इससे ज़्यादा स्पीड जो है आप देख रहे हो बढ़ रही है कंसिस्टेंटली, 55 चली गई है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा स्पीड आपको क्या चाहिए, ठीक है। 56.7 का डाउनलोड स्पीड है, अपलोड हमें देखना है कितना जाएगा, तो अपलोड भी ऑलमोस्ट 30 के अराउंड जाना ही चाहिए। तो 27.5 का यहाँ पे गया है और लॉस है हमारा 0.0% का, विच इज़ रियली वेरी अमेजिंग। अब यहाँ पे मैं रिज़ल्ट आपको करा दूँ एक बार। ये जो था हमारा ये था 8.5 का पहला, ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा दूसरा। तो आप जो है ये देख लीजिए कितना चीज़ें चेंज हो सकती है। मैं इसका स्नैप ले लूँ एक बार, क्योंकि मेरे काम में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारे वीडियो टेस्ट पे। अब वीडियो टेस्ट में हमें देखना है वीडियो की एक्सपीरियंस क्वालिटी क्या आती है। नेट कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पे शायद क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लेबैक चालू हो गया है, देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, क्या होता है। प्लेबैक ख़त्म हो रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। 1.4 सेकंड्स का यहाँ पे लगा है, 91.4 का प्लेबैक है, 16.6 सेकंड का यहाँ पे हमें मिल रहा है प्लेबैक। तो यहाँ पे भी आप एच डी प्लस में कर सकते हो, लेकिन आपकी डाउनलोड स्पीड जो बढ़ गई है उस वजह से आप और ज़्यादा बेहतर 2K तक का यहाँ पे आप इजीली वीडियो देख सकते हो। एयरटेल रिपेयर्स डॉट कॉम का ट्विक वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड ऑफ द वीडियो, और साथ में ही एक यार बढ़िया सा प्यारा सा एक सब्सक्राइब करने के बाद ना बिल्कुल से एक अच्छा सा मैसेज छोड़िएगा कि जितना आपका सपोर्ट मिल रहा है ना मुझे, उसकी वजह से इतना मज़ा आ रहा है ना वीडियोस बनाने में वगैरह बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मॉर्निंग में हम लोग वी आई का बने तक लेके आएंगे एक नया वीडियो एपिन के साथ में, और देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है विशाल, थे द वैरायटी स्टफ पे, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।